गोली लगने से युवक की मौत। अवैध तमंचे की सफाई में लगी गोली। 3 दिन पहले दशहरे के त्योहार के लिए दिल्ली से घर आया था मृतक। रोजी रोटी के लिए दिल्ली में रहकर करता था काम। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जिले के देहात कोतवाली अंतर्गत चटगन गांव का है, जहां पर तड़के सुबह संतोष निषाद उम्र 48 वर्ष नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसकी वजह अवैध तमंचे की सफाई बताई जा रही है। संतोष निषाद तमंचे की सफाई कर रहा था, उसी से निकली गोली लग जाने से मौत हो गई है। परिवार जनों को गोली की आवाज जब सुनाई पड़ी तो भाग कर कमरे में गए, तो संतोष निषाद खून से लथपथ जमीन में पड़ा था। देखते ही घर वालों में चीख पुकार से कोहराम मच गया और आसपास के लोग आवाज सुनकर पहुंच गए। उपचार के लिए अस्पताल ले जाना चाहा तो संतोष नामक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। सूचना पर पुलिस पहुंची, सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मृतक संतोष की मौत गोली लगने से हुई है या स्वयं संतोष ने मारी है, ये जांच के बाद पता चलेगा। बांदा से फैयाज खान की रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम बल्लू निषाद। बल्लू निषाद जी, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम दर्दा चक चक। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? कोतवाली देहात। कोतवाली देहात। ये कौन है आपके? बड़े भाई। बड़े भाई, क्या नाम है इनका? संतोष। संतोष। इनके पिताजी क्या नाम है? श्री देवी दया। कैसे घटना हो गई, क्या हुई है, गोली कैसे मारी, क्या कारण था? ये अपने आप से मान लो सफाई कर खराब कट्टे की। अच्छा। मंचे की। अच्छा। सफाई करते हुए मान लिया फायर हो गई तो लग गया। अच्छा। खत्म हो गया। क्या लाइसेंसी तमंचा था या ऐसे ही था? ऐसे चौरासी तमंचा था जी सर। तो क्या इनके पास रखा हुआ था पहले से ही? क्या होगा, घर का घर में रहा होगा। अच्छा, तो क्या सफाई कर रहे थे ऊपर जी? तो आपको क्या जानकारी मिली? आपको जानकारी नहीं, जैसे का नाम से बताया वैसे मैंने भी बता रहा हूँ। अच्छा, ये सफाई की जानकारी मिली थी। कितने बजे लगभग गोली लगी इनके? ये नहीं जानकारी, ये जानकारी नहीं है। तो आपको कब गए हैं आप? सुबह कै बजे गए? करीब 6 बजे। 6 बजे। तो कहाँ लगी थी गोली इनके? ये गर्दन के नजदीक पास। अच्छा, गर्दन के नजदीक के पास। क्या कोई ऐसा कोई बवाल या कुछ ऐसा कुछ इनका मामला, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं था? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था ना। कोई इनके बच्चे अच्छे भी हैं? जी सर। कितने बच्चे हैं? 2 लड़के 3 लड़कियां। अच्छा, क्या शादीशुदा हैं या बिगड़ शादी? दो की शादी हो चुकी है। दो की शादी हो गई जी सर। उस कारण नहीं पता चला क्यों मारा है? नहीं, यही पता चला सफाई करने के दौरान लग गई। ये अपने आप से मान लिया हो, जानकारी तो है ना। अच्छा, नहीं कोई परेशानी या कुछ ऐसी आज तक कभी कोई चीज बताई आपको? लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं। कुछ नहीं बताई, परेशानी वगैरह कभी कुछ नहीं बताया? अरे अभी बाहर से आए हैं, कल नहीं परसों के दिन। अच्छा, बाहर कोई काम करते हैं क्या? अरे बाहर कमाने गए थे। रामचर्च चटगन में संतोष निषाद पुत्र देवी दिन निषाद उम्र 48 वर्ष द्वारा तमंचे से गोली मार करके आत्महत्या कर ली गई। इस संदर्भ में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।